गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, मेरे पास ऐसी परिस्थिति है, ऐसे काम हैं, मेरे पास ऐसे टाइम थोड़े नहीं होते हैं। तो चलो, मैं वैसे कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि रेगुलर ब्लॉग आए और आप सबको एंटरटेन कर पाऊँ। तो गाइस, अभी सुबह का मौसम है, तो चलो बाहर दिखाते हैं क्या ही मौसम है। आज सुबह सुबह मैंने वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज मैं सोचा चलो आज पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज दो दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट समझा, तो मैं ब्लॉग बनाने लगा। तो देखो, अभी सुबह का एकदम टाइम है गाइस। अभी मैं काम कर रहा था और मेरे पैर पे एक बड़ा सा लकड़ी गिर गया, तो यहाँ पे काफ़ी चोट हो गया है, तो मैं उस पर दवा लगाऊँगा गाँव का। गाइस ये है हल्दी और इसमें है क्या है, तेल है और ऑनियन है, तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक दवा बनाया है अच्छा सा। तो इसको पैर पे लगाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। हाँ, इस वाले से बांधेंगे भाई अपना कपड़ा। तो गाइस ये अपना एक दवा है गाँव का, तो इसको ऐसे पैर में सभी जगह लगाएंगे, बिकॉज इसी पे लकड़ी गिर गया था, तो पूरा अंदर नीचे से ऊपर तक पूरा दर्द कर रहा है चलने में, और मैंने सोचा चलो इसको लगा लेते हैं ताकि कुछ आराम हो जाएगा, तो काफ़ी बेटर रहेगा। सुबह सुबह ही लग गया यार, क्या ही मैं बताऊँ। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मोटा लकड़ी था, इसकी वजह से ये गिरा, ऊपर से तो चोट नहीं लगा, बट अंदर से ऊपर से नीचे तक पूरा दर्द कर रहा है भाई। ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ हड्डियाँ टूट गई हैं, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा लग रहा है भाई। देखो, तो गाइस अभी ये दवा लगा चुके हैं, इसके ऊपर से ये देख रहे हैं पॉलीथीन लगाएंगे, प्लास्टिक लगाएंगे ताकि इसके इधर उधर ना निकल पाए, तो इसको लगा लेते हैं, उसके बाद बांधेंगे। तो देखिए, ये प्लास्टिक भी लगा चुके हैं और इसके ऊपर से ये कपड़ा बांधेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास तो गए नहीं थे, नहीं तो पट्टी लाते, और ये हमारे पास कपड़ा है घर का, तो इससे बांधेंगे। तो गाइस इसको बांध लेते हैं, इसको ऐसे रख के पट्टी की तरह ही अच्छे से बांध लेंगे, तो ठीक हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम। भाई साहब चलने में बहुत दिक्कत कर रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे से भी लगा के बांध दूँ, बिकॉज दर्द काफ़ी कर रहा है गाइस, सच्ची बात यार, पता नहीं क्या ही हुआ सुबह सुबह। ये रेडी हो चुका है, इसको बांध लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, अभी रेडी हो चुका है ये पट्टी, और इधर देखिए पूरा पहुंच नहीं पाया, तो ये इधर का दवा पूरा निकल रहा है, अभी ये ठीक हो चुका है, तो देखते हैं कब तक आराम हो जाएगा। बाकी मेरा दर्द तो एकदम से ख़त्म ही हो गया, ये गरम गरम सा था ना इसलिए। तो मैं थोड़ा चलने की कोशिश करूँगा, वो भाई भाई साहब दिन मेरा लिए बहुत ज़्यादा पोपट हो गया है, बिकॉज सुबह से सोचे थे कि पूरे दिन ब्लॉग बनाएंगे, तो हमारे पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से तो ब्लॉग नहीं बन पाया। तो चलो फिलहाल तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा, छोटा या बड़ा कुछ भी, तो ब्लॉग तो अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज दो दिन लेट हो चुका है, ऑलरेडी तीन दिन हो चुका है, तो आज मेरे को ब्लॉग कल मतलब बोले तो कल मेरे को ब्लॉग अपलोड करना ही पड़ेगा। तो फाइनली अभी देखो टाइम हो रहे हैं चार, जस्ट अभी मैं सो के उठा, बिकॉज मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, और मैं गया एक दवाई लेके आया हूँ जो स्प्रे होता है मुँह का, तो उसको बार बार स्प्रे कर रहा हूँ ताकि आराम हो जाए, दर्द ख़त्म हो जाए। तो ऐसा सीन है आज का, और आजकल ट्रेंड बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं कि बहुत लोग लिख रहे हैं पोपट हो गया तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल्स हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपना थंबनेल में लिख दूँ कि पोपट हो गया आज का पूरा दिन और पैर में चोट लग गया, तो ऐसा सीन होगा, तो आप लोग देखना बाकी। तो और चलो पहले थोड़ा सा काम है, अभी तो बारिश स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर। ठीक गाइस, अभी खेत पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितने मस्त व्यू आ रहे हैं, और धूप बिल्कुल नहीं हुआ है, आसमान भी देख लो चारों साइड, और यहाँ पर सुबह आया है, तो सुबह में यहाँ पे आया है साइकिल से, गाइस साइकिल से नहीं है, अपने बाइक से आया, बाइक वहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग आए हैं। और गाइस आज का दिन इतना गड़बड़ गया, मैं क्या ही बताऊँ, अभी मेरे को पैर में काफ़ी राहत है, तो अभी मैं सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, इसलिए मैं खेत पे आया हूँ, तो वीडियो फाइनली बन रहा है हमारा, और आ जाओ शुभम आ जाओ। तो अभी हम चल रहे हैं एक
मेड़ी पर से जो कि बहुत ज़्यादा पतला है, तो पता लगा इससे इसी से गिर जाएंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखो गाइस कितना पतला है भाई। वो भाई गिरा 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 बच गया बच गया बच गया। तो देखो अभी इधर सही है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से वहाँ तक पूरा अपना खेत है, और यहाँ पे तो बाकी आपको पता ही है नारा है हमारा, और यहाँ पे अपना टोमी भी आ गया है। आ जा इधर भाई, देखो अपना बाइक लेके आ रहे थे गाइस, घर पे था, जैसे ही आवाज़ सुना मेरे पीछे पीछे आ गया और पूरा रास्ते से दौड़ते हुए यहाँ तक आया। एकदम धीरे धीरे नहीं चला, बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ के आया है जी। सच्ची कह रहा है ना, क्या क्या दौड़ के आया है। चलो ठीक है, तो अपने को कुछ काम है गाइस, तो अपना काम करते हैं और फिर घर चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ का सीन घर का, और बाकी तो चलो घर चलते हैं। ओके गाइस, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।